नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। सांची में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि है सांची के स्तूप, जो कि हमारे पीछे ही बने हुए हैं। ये जगह ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, इस वजह से इस स्थान को हम गाइड की मदद से प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं सांची के स्तूप। सांची में कुल मिला के 93 स्तूप्स हैं, जिनमें कि 3 सबसे बड़े स्तूप हैं। तो अब हम खड़े हैं सांची स्तूप नंबर 1 के बाहर, और ये है सांची स्तूप का ईस्टर्न गेट, यानी कि पूर्वी तोरण द्वार। सांची स्तूप नंबर 1 में 4 तोरण द्वार हैं और सबसे बड़ा स्तूप भी यही है। और इस स्तूप की खास बात यह है कि इसके अंदर जो भगवान बुद्ध हैं उनके 80 अवशेष रखे हुए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ के और शांति का धर्म और संदेश पालन किया। उन्होंने युद्ध छोड़ के बुद्ध संस्कृति का बौद्ध धर्म को अपना लिया कलिंग युद्ध के बाद। जैसे ही उन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया तो पूरे भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक स्तूप बनाते थे जहाँ भगवान बुद्ध की या उनके शिष्य की पवित्र अस्थियाँ रखी जाती थी। प्रार्थना करने के लिए चैत्य बनाए जाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के मॉन्क्स के रहने के लिए मोनेस्ट्रियाँ विहार बनाए जाते थे, और अपने राजकीय संदेश लिखने के लिए पत्थर के पिलर बनाए जाते थे। तो यहाँ पे मौर्य काल से शुरुआत होती है 3rd century ईसा पूर्व, और आगे तक 12th century ईसा तक, मतलब 300 ईसा के पहले और 1200 ईसा के बाद। अपना तिथि कैसे चलता है, ईसा पूर्व ईसा के बाद। तो ये 300 ईसा के पहले शुरू हुआ और 1200 ईसा तक चलता रहा। सो 300 BC के और 1200 AD के 1500 साल का इतिहास है। 13वीं-14वीं सदी से धीरे धीरे ये धरोहर हमारी पूरी वीरान हो गई। फिर एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर जिनका नाम था जनरल टेलर, 1818 में सांची की खोज की, 1818 AD में, वो भी शिकार करने आए थे। जब खोज हुई उनके द्वारा तो उन्हें सोचा ये धरोहर तो वीरान हो गई थी। इस धरोहर में लिखे हुए पत्थर के शिलालेख किस भाषा के हैं और जो लिखा है उसका क्या संदेश है, जो स्तूप बने हैं उसके बाहर क्या और अंदर क्या, जमीन में क्या दफन हो गया है। तो उन्होंने इस पर खोज शुरू कर दी। तो अंग्रेज कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, 1851 में, 1851 में स्तूप नंबर 2 को और स्तूप नंबर 3 को ओपन कर दिया। तो क्या मिला, खोल दिया बिल्कुल, जैसे सामने हैं आपके 3। तो जैसे ही खुदाई हुई तो ऊपर का छत्र हटाया, ऊपर की जो रेलिंग है हरमी का हटाई, और गुंबद में 3 मीटर खुदाई हुई, और उसमें एक अस्थि मंजूसा, एक बॉक्स मिल गया। उसके ढक्कन पे नाम लिखा था सारिपुत्रस महामोदगलानस। तो सारिपुत्र सा से, महा से महामोदगलायन, दोनों नाम क्लियर हो गए। तो उस समय की पाली भाषा थी, उसमें लिखा था, पता चल गया। उन्होंने भाषा भी पढ़ना शुरू कर दी थी 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने पाली भाषा भी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो जैसे ही हमने उसको पढ़ा तो पता चल गया ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। फिर उन्होंने धर्म की किताब महावंश में भी पढ़ा कि सारिपुत्र मोदगलायन कौन थे, तो राजगृह में भगवान से मिले हुए 2 उनके महान शिष्य थे। तो उनकी अस्थियाँ यहाँ से मिल गई। अब वो अस्थियाँ यहाँ से तो विक्टोरिया ब्रिटिश म्यूजियम चली गई, ये अस्थियाँ वापस आई फिर 1952 में, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जो अस्थियाँ वापस लेके आए तो बाहर एक चैत्यागिरी विहार बना हुआ है जिसको हम बुद्ध मंदिर भी कहते हैं। यहाँ की अस्थियाँ जो वापस आई हैं वो बाहर वाले मंदिर के तहखाने में रखी हुई हैं, और तहखाने की चाबी किसके पास होती है, रायसेन कलेक्टर साहब के पास, क्योंकि रायसेन जिले में है। तो मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति के तो दर्शन करते हैं वहाँ हम, लेकिन तहखाने में नहीं जा सकते क्योंकि वो चाबी तो कलेक्टर साहब के पास है। वो आती है चाबी, लेकिन प्रतिदिन नहीं आती। नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में, लास्ट वीक में सांची मेला लगता है, तब उस तहखाने की चाबी आती है, और तहखाने से पवित्र अस्थियों को, अरहंत सारिपुत्र महामोदगलायन की अस्थियों का पूजन होता है। लोग दर्शन करते हैं 2 दिन के लिए, नवंबर का आखिरी संडे, उस लाखों लोग आते हैं। बौद्धों का तो होता ही है, बाकी हम सबका यहाँ पे जितने भी अपने भारतीय लोग हैं सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, सांची के जो 2 प्रमुख स्तूप हैं, स्तूप नंबर 1 और स्तूप नंबर 3, वो तो आपको एक साथ ही नज़र आ जाएंगे ऊपर की साइड में, लेकिन जो स्तूप नंबर 2 है
वो उसका रास्ता अलग से जाता है, जो मॉनेस्ट्री है मॉनेस्ट्री से साइड में से एक रास्ता गुजरता है जिससे कि हमको नीचे की ओर जाना होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्तूप नंबर 2 के पास, जो कि स्तूप नंबर 3 के जैसा ही नज़र आता है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि इस स्तूप में आपको कहीं पर भी तोरण द्वार नज़र नहीं आएगा। और इस स्तूप की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर 10 बौद्ध टीचर्स के अस्थि अवशेष रखे गए थे। नंबर 2 से सेकंड से मिली थी जो यहाँ पर शिक्षा देने वाले उस समय के सीनियर बौद्ध भिक्षु टीचिंग का काम करते थे। तो नंबर 2 से 10 सीनियर भिक्षुओं की अस्थियाँ मिली थी, नंबर 3 से सारिपुत्र की मिल गई। तो जो मेन स्तूप है वो भगवान बुद्ध का है, जिसमें आज भी है। अब आप देखने जा रहे हैं कि ये स्तूप देखो आप, दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऊपर के छत्र दिख रहे हैं, ऊपर से हर्मी का रेलिंग दिख रही है, बीच में ये अंडाकार गुंबद दिखाई दे रही है, इस पे काला सा प्लास्टर दिख रहा है। ये प्लास्टर किस चीज़ का बनाते थे 2200 साल पहले? बिल्कुल आप बिल्कुल सही। हाँ, जो आपने कहा ईंट, मतलब ईंट को पाउडर बनाया, चूने का पाउडर बनाया, पत्थर का सैंडस्टोन का पाउडर बनाया, सुर्खी, चूना, गुड़, गोंद, बेलफल, उड़द की दाल, मेथी, भिंडी, हनी, बतासे, बेलफल, इन सब का लिक्विड जूस निकाला, सुर्खी चूना में मिलाया और पूरे डोम पे लगा दिया था। अब इतना बचा हुआ है, और जो हमने आपको फोटो दिखाई, ये इतना बचा हुआ है। हमने आपको फोटो दिखाई ना, कैसा था जंगल में भैया, ये देखो आप पुराना फोटो सांची का, ये है वो फोटो जो वीराना सांची हो गया था बीच में, वीरान पड़ा हुआ 600 साल का जंगल था 12 से 13वीं सदी से 18वीं सदी के बीच, कैसा। फिर देखो ये रख रखाव शुरू हो गया, लेकिन हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमारे देश में तो राज किया था कि नहीं किया था, किया था, कुछ काम सराहनीय भी किए थे। अगर उन्होंने ये काम और इन धरोहरों की पहचान ना की होती तो हम लोगों से तो वीराना हो ही गया था और आगे भी वीराना चलता रहता। महास्तूप के अलावा ये छोटे छोटे 93 स्तूप है, कोई भी स्तूप देखो खाली नहीं होता, भरे हुए होते हैं। पैक है पूरा अंदर से भगवान की। यहाँ महास्तूप भी देखो, पवित्र अस्थियों को सम्राट अशोक रख के गए और ईंटों का स्तूप बनाया। फिर दूसरी सदी में जब यहाँ शुंग वंश आया तो अग्निमित्र और बशुमित्र के द्वारा इस स्टोन पे और इस प्लास्टर में, देख रहे लगभग ये 12-15 इंच का प्लास्टर का लेयर था, देख रहे आप, निकल गया। ये रेलिंग देखो नीचे, जो सिंगल सिंगल पीस हैं वो सब ओरिजिनल हैं, और जो 3 पीस वाले हैं ये रिपेयर हैं, इस पे नाम नहीं होता, जो पुराने हैं उन्हीं पे नाम लिखा है। ये सब दान करने वालों के नाम है, सब में दानम लिखा हुआ है। तो हाँ, बलुआ पत्थर है, उदयगिरी से लाया हुआ, सिर्फ अशोक सम्राट जो बनाए हैं, अशोक पिलर है स्पेशल, जो आया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। आपको पता है सारनाथ का, वैशाली का, कौशाम्बी का, शाहबाजगढ़ी का, जहाँ जहाँ महान अशोक अपने पिलर बनाए हैं, उस पिलर की खासियत देखो, उसके ऊपर मौर्य काल की चमक देखो आप। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन है, और ये सैंडस्टोन कहाँ से आया? ये आया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आज भी चमक देखो ऊपर, और कितनी ऊंचाई थी एक ही पीस, लगभग 42 फीट हाइट, 42 फुट का एक पीस, और इस पे लगे थे चारों शिंग। ये देखो उस समय, देखो गंगा यमुना बेतवा, उस समय नदी के सहारे ये पिलर यहाँ खड़ा था। अच्छा, अशोक स्तंभ कहाँ था? हाँ यहाँ था, डैमेज होके आया यहाँ, गोल पिलर था ये। हाँ, ऐसा रोलर बनाने के लिए, गन्ने का जूस निकालने का रोलर बनाने के लिए एक जमींदार ने इसको तोड़वा दिया। क्या बनाने के लिए? शुगर केन जूस मशीन, रोलर चलाएंगे, गन्ने का जूस निकालेंगे, जैसे कोल्हू से ऑयल निकालते थे। और ये अशोक स्तंभ, अशोक सम्राट ही बनवाए थे, और ये इसी के टुकड़े हैं, इसी के टुकड़े 42 फीट हाइट थी ना एक ही पीस, इसके ऊपर चारों से, वो संग्रहालय में है। कि जो हमारे देश का ये सत्यमेव जयते वाला साइन है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें 4 शेर हैं, इसके पीछे एक और शेर होता है,
वो साइन भी यहीं से लिया गया है, जैसे कि आप इस पिलर्स में देख सकते हैं। ये जो साइन है शेरों का, ये अभी आपको तीन दिखाई दे रहे होंगे, इसके जस्ट पीछे भी एग्जैक्ट इसी तरह का शेर का सिंबल है। तो ये नोटों पर और हमारे भारत के न्यायालय पे कहीं पे भी गवर्नमेंट में ये आपको साइन नज़र आता है वो यहीं से लिया गया है। ये अशोक स्तंभ का साइन है, और एक्चुअल जो अशोक स्तंभ था वो ये वाला था जो कि अब टूट चुका है। सबसे पहले मंदिर बनाने का जो स्टाइल था वो था बिल्कुल फ्लैट रूफ। कैसे बनते थे पहले शुरुआती मंदिर? सपाट छत की। मंदिर के ऊपर जो शिखर है, जो कलश हैं, जो आमलक हैं, वो नहीं होते थे। फ्लैट रूफ टेंपल होता था, चार पिलर पे खड़ा हुआ। तो ये कौन से वंश ने बनाया? सांची का नंबर 17 ये फेमस टेंपल है। गुप्त डायनेस्टी, क्या कहते हैं अपने भारतीय इतिहास में गुप्त काल को? गोल्डन युग, स्वर्ण युग माना जाता है। ये देखो श्रीलंका से ज्यादा लोग आते हैं, तो इसीलिए तो ये हाँ सिंहालीज में, ताकि श्रीलंका से लोग सिंहाली भाषा में वो पढ़ सकें, तो सिंहालीज में भी लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि सभी अपने अपने धर्म की बात है, कोई अपने हाँ गुरुद्वारे से अपने धर्म को फॉलो करता है, तो कोई जाता है तो अपने मंदिर में, तो कोई जाता है अपने चर्च में, तो कोई जाता है मस्जिद में। और बौद्ध धर्म संस्कृति फॉलो होती थी मनुष्यों में, तो ये सब हॉली प्लेस होते हैं। तो बुद्धिज्म का ये प्रथा था कि भाई भगवान बुद्ध जाने के बाद उनकी पवित्र अस्थियों को सहेज के उस पर डोम तैयार कर दिया था, तो उसको थूप कहते थे, और थूप कहते कहते स्तूप हो गया। तो कुल मिला के चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में पूजा जाता था। तो भगवान बुद्ध का प्रतीकात्मक सिंबल माना जाता है स्तूप। भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखने का स्थान स्तूप है, या उनके साधक। ये देखो चैत्यालय, प्रार्थना करते थे इस बड़े हॉल में। अगर ऐसी बिल्डिंग आपको देखना है तो वो जाना पड़ेगा आपको कहाँ पर? ग्रीस जाना पड़ेगा आपको, जो है ना एथेंस जाना पड़ेगा आपको। बड़े बड़े वहाँ पे उनके हॉल बने हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं आप। हाँ प्रार्थना, चैत्यालय है। क्या होता था कि ये जो गेट है सदन वाला, यही मुख्य द्वार था। सम्राट अशोक की एंट्री साउथ साइड से थी, इसका सबसे बड़ा कारण था यही कि यहाँ दोनों साइड ये गुप्त वंश ने मंदिर बनाए थे, बीच में चैत्यालय था। अशोक स्तंभ यहाँ से जो डैमेज हुआ है वो था, और इस पे भी सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, और इसमें चक्र भी दिखाई दे रहा है सारनाथ का। हाँ ये नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने पहला धम्म उपदेश दिया था, देख रहे हैं आप, नीचे यात्रा के दृश्य हैं। इसमें हाथ में मालाएं लिए मुंह से फ्लूट बजाते हुए यक्ष हैं। यहाँ पे सेकंड वाले पैनल के बीच में एक स्तूप है, भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ। बुद्ध भगवान के जाने के बाद 8 राजाओं में प्रॉब्लम हो गई थी कि कौन लेके जाएगा, तो भगवान की पवित्र अस्थियों का बंटवारा हुआ, तब जाके 8 स्तूप बने। बाद में सम्राट अशोक ने 7 स्तूपों को खुलवा दिया और इनमें से अस्थियां निकलवाईं। 7 स्तूप से जो मिला उसी पे 84,000 मॉन्यूमेंट बनवाए। और पहले वाले में देखो, लोटस पे खड़ी हुई एक देवी ऊपर से गज, ये बुद्ध की माता महामाया है। यहाँ के हाथी घोड़े जो थे वो सब मिसिंग है। ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया, ये भी नया। सदन गेट गिर गया था, ये रिस्टोर्ड है, कार्विंग ओरिजिनल है, बाकी प्लेन है, देख रहे हैं। हाँ हाँ, ये पहली सदी ईसा पूर्व के चारों के चार गेट 100 BC के हैं। हाँ हाँ, ये क्योंकि जमीन में पड़ा हुआ था। सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनवाया था, चैत बनवाया था, नीचे मनुष्य बनवाई थी, और इस स्तूप के अंदर ईंटों का स्तूप बनवाया था, ईंटों का। हाँ फिर इसके बाद 2nd century BC में ये रेलिंग बनाई गई, फिर 100 BC में ये गेट बनाए गए, फिर 5th AD में वो मूर्तियाँ रखी गई। तो महास्तूप में भी 4 वंश हैं। और ये जो बड़ा हाँ, तो वो का बनवाया? हाँ ये दूसरी सदी ईसा पूर्व। हाँ इसके अंदर है 3री सदी का, पहला मिट्टी का बना। हाँ। फिर दूसरी 100 साल बाद जब पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे थे अग्निमित्र वसुमित्र विदिशा रह गए, उन्होंने पूरा स्टोन में और प्लास्टर में और रेलिंग वगैरह बनवा दी। बुद्ध देव का लुम्बिनी में जन्म हुआ 2563 वर्ष पहले, मतलब 563 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। तो उनका जन्म हुआ, हाँ जन्म हुआ उनका एक राज परिवार में। कहाँ जन्म हुआ उनका? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में कैसे जन्म हो गया? वैसे तो महल में, हाँ नेपाल में है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वो एक जंगल। अब आज नेपाल है, उस समय थोड़ी था नेपाल, कपिल वस्तु। तो क्या हुआ, जंगल में रात हो गई, वो तो गर्भवती थी, मायके जा रही थी बच्चे को जन्म दे। पहले नियम यही था कि कोई भी बेटी अपने बच्चे को जन्म मायके में दे, क्योंकि माता पिता से अच्छी देखरेख और फर्स्ट डिलीवरी कौन करेगा? माता पिता। तो वहाँ जा रही थी, जंगल में रात हो गई, गर्भवती तो थी ही, वो प्रसव पीड़ा होने लगी। तो बुद्ध ने जन्म कहाँ लिया? लुम्बिनी के जंगल में। और जंगल के 7 दिन बाद माता का देहांत हो गया। अब उस बच्चे की जवाबदारी किसने निभाई? माँ जैसी।
क्या कहते हैं माँ जैसी? यशोदा। मासी। 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 हाँ, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। गौतमी ने उनको बड़ा किया। अच्छा। तो जन्म देने वाली माया थी और बड़ा करने वाली माता गौतमी थी। तो गौतमी ने कहा दुनिया में इसको गौतमी के संतान गौतम के नाम से जानेगी। अगर लोग कहेंगे कि भाई ये मासी है चाची है, बोले इसलिए डांट रही है क्योंकि माँ होती तो थोड़ी डांटती, तो दुनिया ये ना समझे कि ये मासी है, माँ है वो। तो सिद्धार्थ ने अपनी माँ का चेहरा अपने मासी में देखा। 7 दिन के बच्चे को क्या पता कैसी थी मेरी माँ, लेकिन रोल था उनमें गौतमी का, है ना। तो इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान हुआ इनका बोध गया में। कहाँ हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे। देखो ये बोधि ट्री बनाया है, हाँ भगवान बुद्ध, हाँ सिंबल है ना उनका। तो बोधि ट्री के नीचे उनको ज्ञान मिला। तो सारनाथ में जाके उन्होंने पहला ज्ञान का उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। सांची के संदेश स्तूपा 1 में है, स्तूप 2 में है, स्तूप 3 में है, मोनेस्ट्रियों में है, पिलरों में है, हर एक पत्थर में, चाहे वो मंदिरों का, चाहे विहारों का, चाहे मूर्तियों का है, चाहे मोनेस्ट्रियों का, चाहे चैत्यों का, सबका संबंध सांची में भगवान बुद्ध और तथागत और अपने भारतीय प्राचीन बौद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। सांची में स्तूप 1 सांची का मेन स्तूप है, बाकी 2-3 हैं जो कि कनिंघम के एक्सकेवेशन में ओपन हुए हैं, बाकी छोटे छोटे 93 स्तूप हैं। तो सांची के महास्तूप में 4 इंपॉर्टेंट तोरण द्वार हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जो कि पहली सदी ईसा पूर्व 100 BC सातवाहन काल के बने हुए हैं। तो ऐसे ही सांची देखो आप, इस धरोहर में, इस सांची के स्तूप के तोरण द्वार में क्या लिख दिया वो देखो आप पत्थर पे। तोरण द्वार है। अपने यहाँ जब कोई उत्सव होता है, कोई विशेष फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं हम, क्या लगाते हैं? तोरण लगाते हैं। और क्या करते हैं? अतिथि का वही स्वागत करते हैं, है ना। जैसे हम जाते हैं कि कोई भी मंदिर हो या मकान हो, उसका जो मुख्य द्वार है बड़ा आकर्षक होता है। जैसे अपने दक्षिण भारतीय मंदिर देखो, उनमें गोपुरम बनाते हैं। क्या होता था कि इस तोरण द्वार से हमें पूरा जनजीवन और हमारे देश की कला संस्कृति क्लियर हो जाती है इस गेट की वजह से। देखो हमारी जो बहने माताएं थी उस समय, जो महिलाएं थी, वो 2000 साल पहले हाथी चलाया करती थी। ये देखो आप, ये महिला है ना, ये 2000 साल पहले हाथी चलाने वाली महावत महिला थी। इतना मतलब सोचो आप, समाज में महिला का क्या स्थान था। अच्छा। क्या होता था मैम कि खतरा जब होने लगा, जब बाहरी आक्रमण होने लगे, तो उनको तो अपनी संस्कृति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो महिलाएं बच्चे शिकार ना हो आक्रमण का, तो हम उनको फिर उतना आगे नहीं किए। सुरक्षा की दृष्टि से पर्दा प्रथाई सारी चीजें शुरू हुई, नहीं तो 2000 साल पहले आप देख ही रहे हैं कि महिला हाथी चलाया करती थी, महावत देख रहे हैं आप, और ओरिजिनल तो हाथी दांत हुआ करते थे। हाँ, और ओरिजिनल हाथी दांत जो कि बीच में जंगल रहा, तो जो आइवरी थी रियल हाथी दांत, वो निकल के खाली होल बचे हुए हैं। अब आप देख रहे हैं ये पत्थर का जो पिलर है, एक ही स्टोन में बना है। सोचो आप, पूरा एक पत्थर है देखो आप, और वो भी पहली सदी ईसा पूर्व 100 BC का बना है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। सोचो आप, तो ईसा पूर्व पहली सदी 2100 साल पहले गेट बना। अच्छा, वो क्या है इस कोने में, पंख वाला एक शेर बैठा हुआ है। अच्छा। देख रहे हैं सिंह है, उस पे पंख लगे हुए हैं। ये वैसे ही है कि जैसे अपने यहाँ जब यूनानी ग्रीक लोग आने लगे, तो कुछ ऐसे ही शब्द आए जिसको कहते हैं ग्रिफिन, एक मिथिक है। जैसे अपने नहीं उड़ने वाले पुष्पक विमान घोड़े पे पंख लगे होते, तो उन्होंने कही पंखी राज, उन्होंने कहा पेगासस, उन्होंने कही घोड़े पे एक सिंह, यूनिकॉर्न, ऐसे ये ग्रिफिन कहलाता है। अच्छा, ये जो दोनों साइड सिंबल थे यहाँ त्रिरत्न के, ये तो डैमेज है, लेकिन दूसरा देखो ठीक है, बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न है। अच्छा, ये बुद्ध हाँ, धर्म संघ हाँ, प्रतीक है, प्रतीक के रूप में बुद्ध, दूसरा है धम्म हाँ, और तीसरा है संघ। मैं बुद्ध हूँ हाँ, भगवान कहते थे मैं बुद्ध हूँ हाँ, कौन हो, कौन है बुद्ध? सिद्धार्थ बुद्ध है, बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध है, तथागत बुद्ध है। जब वो बुद्ध हो गए थे तो मैं बुद्ध हूँ, मेरी दी हुई शिक्षाएं मेरा धम्म है, और हमारे धर्म में ये सब लोग आ सकते हैं, वो हमारा संघ है। तो कहते हैं बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। अच्छा, बीच में था चक्र, धम्म चक्र, ये पूरा सर्कल था ये। अच्छा। और चक्र के बाजू में कौन खड़ा है? आप जब मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो हाथ में क्या लिए रहते हैं सफेद सफेद? हनुमान जी नहीं, चौरी, चवरधारी, चवर ढुलाने वाले, पंखा नहीं चलाते हैं ऐसा, चौरी चलाते हैं गुरुद्वारे में, गुरु ग्रंथ साहब देख रहे हैं, धर्म का रक्षक पंख।
धर्म का रक्षक है। जहाँ धर्म की बात होगी तो वहाँ धर्म का एक सेवक होगा, चबरधारी है। अच्छा, यहाँ देखो पहली पट्टी में कोने में एक रोल बना हुआ है ना, और उधर भी ये रोल बना हुआ है। मतलब पेपर को हम दोनों साइड से रोल कर दें और जैसे ही रोल ओपन करें तो उसका लिखा हुआ पढ़ने में आता है। जैसी कुंडलियां नहीं अपनी रोल करके बनती थी, राजा मैसेज भेजते थे रोल करके स्क्रॉल, तो उसमें क्या बना है, एक स्तूप बना हुआ है। देखो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये देखो पंख वाली डियर जैसे यूनिकॉर्न, अंदर स्तूप है, बोधि वृक्ष है, स्तूप है, बोधि वृक्ष है, स्तूप। इसमें सेवन बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, इनको मानसी बुद्ध कहते हैं। बिपिसन कनक मुनि कृकुचंद शिखिन एना कनक मुनि कोना गमन, ये बुद्ध से पहले जो हुए वो बुद्ध है। एक एक पत्थर पे मैम क्या लिखा हुआ है, इधर आइए, ये कौन सी भाषा में है? पाली भाषा। अच्छा, हाँ, हर पत्थर पे कैसे पढ़ते हैं मैम, ये देखो, दा ना अम, दा ना अम, दानम। सबसे पहले दो ही शब्द पढ़ने से शुरू हुई, क्या लिखा है, दानम। किसने दान किया, ये मौर्यन ब्राह्मी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, पाली भाषा है। कैसे पढ़ते हैं, दानम। किसने दान किया, वज्जिगतसा, डोनर का नाम वज्जिगतस, दानम मतलब दान। हर पत्थर में नाम के पीछे 51 डॉट, देखना आप यहाँ दानम लास्ट में आया कि नहीं, दानम, दानम। वहां भी देखो क्या लिखा है, हा हा ना भिखुनी, हा ना भिखुनी, और लास्ट में दानम। ये सभी पत्थर दान किए उस जमाने में, तो कब का है, दूसरी सदी ईसा पूर्व। गेट है पहली सदी ईसा पूर्व, ये है दूसरी सदी ईसा पूर्व, और अंदर स्तूप है तीसरी सदी ईसा पूर्व। लेकिन ये मूर्तियां ईसा के बाद में रखी गई, ये भगवान का चेहरा और मूर्ति शुरू हो गई थी ना यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, इधर एक पिलर जो आप देख रहे हैं ना यहाँ, एक सिंगल पिलर देख रहे हैं आप, और यहाँ कितने पिलर थे, चार, देखो इस चार कोने में। और जब पिलर थे तो एक क्या रखा हुआ था इसके ऊपर, ऊपर की छत, फ्लैट रूफ। लेकिन जब बीच में 600 साल जंगल हुआ, पिलर भी गए, माथे भी गए, देख रहे आप, इरोजन हुआ, बैदरिंग हुआ, स्मगलिंग हुई, तो हुआ ये। हाँ बिल्कुल, पूरा चेहरा भगवान का था यहाँ पे, हाँ देख रहे आप, ध्यान मुद्रा है पद्मासन। तो भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि हमें अगर अपने अंदर के दीपक को कैसे जलाएं, अपनी पहचान कैसे करें, तो जब तक आप अपने अंतर मन में नहीं झांकोगे, और वो पॉसिबल है आपको ध्यान साधना से, आपको साधना और आपको ध्यान मेडिटेशन करना होगा, तो आपको ध्यान मुद्रा ऐसी करनी होगी। तो मेडिटेशन मुद्रा वाली मूर्ति है। तो आपको पता है कि अशोक सम्राट के समय, भगवान बुद्ध के समय ये मूर्तियाँ नहीं होती थी। ये मूर्तियाँ कब बनी हैं, पहली सदी और पाँचवीं सदी ईसा। एक स्कूल था मूर्ति बनाने का, अफगानिस्तान वाला पार्ट, तक्षशिला गंधार कला शैली, और एक था अपना आगरा के पास मथुरा शैली। तो मूर्तियां बनाना भी दो कला स्कूल से आया, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। एक और आई थी इसमें अमरावती। तो यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान बुद्ध की, वो मथुरा आर्ट की हैं। देखो पहले सिद्धार्थ का महल देखो, जब सिद्धार्थ अपने महल से निकल रहे थे तो क्या हुआ, सिद्धार्थ का नगर में जाना और नगर के लोग नमस्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंठक के साथ, ये उनका प्रिय घोड़ा कंठक है, वो सारथी उनका छंदक है, उसके हाथों में अम्ब्रेला है, देख रहे। तो भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंठक, और चन्ना उनका सारथी है, देख रहे, रॉयल प्रोसेशन है। अच्छा ये देखो, पृथ्वी से देवलोक जाने की सीढ़ियां, जन्म देने वाली माता भगवान बुद्ध की, जो देहांत हो चुका था, भगवान अपनी माँ को उपदेश दे के सीढ़ियों से वापस आए थे। तो देखो पृथ्वी से देवलोक जाने का सोपान मार्ग, नीचे बुद्ध है, ऊपर बुद्ध है। बुद्ध भगवान का सिंबल क्या है, बोधि वृक्ष, चेहरा नहीं है ना। ये थेरवाद जो बुद्धिज्म है इसमें, ये देखो, उस जमाने में राजा अपने पत्नी और बच्चों के साथ, देख रहे हैं आप, और यहाँ से महल के से निकल के पब्लिक के साथ, प्रार्थना हॉल में जाके प्रार्थना के लिए, भिक्षु की कुटियों में जाके सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हो गए, ढोल नगाड़े बजाते सेलिब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ देखो आप यहाँ, देख रहे उस जमाने में। अच्छा यहाँ ये भगवान बुद्ध के चरण है, यहाँ देखो क्या है, भगवान के पांव, देख रहे हैं आप, उनके पांव में चक्र है। तो जिसके हील में व्हील होता है वो अपने लाइफ में रुकते कम और घूमते ज्यादा हैं, तो धम्म चक्र कहते हैं हम इसको। तो भगवान बुद्ध भी अपने जीवन में घूमते रहे नॉलेज लेने के लिए जंगल जंगल, और बाद में घूमते रहे नॉलेज देने के लिए। अच्छा एक भी डिजाइन उठा के देख लो आप, इसमें कोई भी डिजाइन इसमें रिपीट नहीं है, 2000 साल पहले एक भी माला, मैम 2000 साल पहले के नेकलेस के डिजाइन है, सोचो आप,
और हम तो इस क्षरण व्याधरण के बाद देख रहे हैं। सोचो आप, उस जमाने में एक पत्थर में, बलुआ पत्थर में सुनारों ने तराशा है, इसलिए इतनी अच्छी डिजाइन है। लेकिन क्षरण होने के बाद देखो आप, सिर्फ इसको हम जब से मेंटेन किया है, इसकी प्रॉपर साफ सफाई मेंटेन करते हैं, लेकिन बना तो उसी जमाने का है। सोचो आप, बिल्कुल मैम, पगड़ी धोती अपने लोग पहनते थे, और वहां देखो विदेशी लोग, ये कर्ली हेयर देख रहे हैं आप, टोपी, स्कर्ट, लंबे जूते, ये विदेशी देख रहे हैं, ग्रीक इस स्तूप को फॉलो कर रहे हैं, फॉरेनर। देखो आप उस जमाने में, ये वैशाली में भगवान बुद्ध पहुंचे तो बंदर उनको हनी दे रहा है, देख रहे, ये महिलाएं बच्ची भगवान को फॉलो कर रहे हैं। तो बुद्ध देव का सिंबल क्या है? बोधि वृक्ष। कपिल वस्तु में महाराज शुद्धोधन और माता गौतमी, जब बेटा बुद्ध होके आया तो पिता और माँ सीमा गौतमी बेटे का स्वागत कर रहे हैं, और नीचे द्वारपाल खड़े हैं, अतिथि को वेलकम करेंगे, देख रहे। अच्छा यहाँ देखो, मगध के राजा जो, हाँ, हॉली बुक है जो किताब है, महावंश, महावंश में लिखा है कि मगध के राजा बिंबिसार ये भगवान बुद्ध को क्या आग्रह करते हैं कि भगवान राजगृह में रुकिए आप, और हमने आपके लिए बांसों का जंगल बैनू बन दिया है। तो भगवान वहां रुके और महाराज बिंबिसार महल से निकल के अपने रानी महिलाओं के साथ यहाँ सभी भगवान को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं मैम। महिलाएं सिर से लेके कानों से, गले से, हाथों से, कमर से, पैरों तक ज्वेलरी पहना करते थे। नीचे भी द्वारपाल है, जब द्वारपाल इतनी ज्वेलरी पहनते थे तो रूलर्स और ट्रेडर्स के पास कितना होता होगा, सोचिए आप। फाइनली ये होता है कि जिसने भगवान को देखा है वो मूर्ति नहीं बनाया है, और जिसने बनाया है उसने नहीं देखा है, वो तो उनके लक्षणों के आधार पे बनाया है भाई, वो तप करते थे, ध्यान करते थे, वो मुद्रा दे दी। इसलिए चाइना से बनी हुई मूर्ति थोड़ी आंखें चाइनीज जैसी दिखती हैं, और थाई में बनी हुई थाई जैसी। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया के अपने भारत के मंदिर देखो और दक्षिण भारत के देखो, दोनों में फर्क है। ऐसे ही क्रिश्चियनी, हाँ बिल्कुल मैम, उस समय मूर्तियाँ तो नहीं होती थी जब उस समय भगवान तथागत हुआ करते थे। बाद में हमने कहा कि भाई लोगों को धर्म संस्कृति से जोड़ना है, प्रचार करना है, पहले तो अस्थियाँ थी, वो लिमिट के स्तूप थे, लेकिन मूर्तियां तो देखो नगर नगर, गांव गांव, जगह जगह रखने लगे ताकि प्रचार हो। अब बाहर की खुदाई में पुरातत्व तो विभाग समय समय पे एक्सकेवेशन रिसर्च भी करते हैं, तो रिसर्च में ये माथा मिला भगवान बुद्ध का, तो उन्होंने फिर से जोड़ दिया, देख रहे हैं। जैसे अगले का डैमेज था ना, ये भी बाहर मिला था, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे लोगों ने अभी इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ फेंक दिया होगा, फिर ESI को मिला, ओरिजिनल लगा दिया। तो जो ओरिजिनल मिलता है वही लगता है, नया नहीं कर सकते, नया करेंगे तो हम अपने अतीत को वर्तमान मॉडर्न क्यों करेंगे, जो मिलता है उसी की वैल्यू है। चेहरे से देखो कितनी शांति है, भगवान कहते थे जो शांत रहते हैं वही रास्ता खोजते हैं, ज़्यादा बातें करने वाले तो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ जो स्तूप है और हाथियों द्वारा, देख रहे हैं आप रामग्राम स्तूप की, हाँ, वंदना कर रहा है फूल मालाओं से। यहाँ देखो बकरे पे भी राइडिंग दिखाई गई है, गोड राइडिंग। अच्छा बीच में देखो धम्म, यहाँ पे धम्म का उपदेश, जंगल के पशु, चाहे वो शेर हो चाहे उसमें भैंसे, बफेलो, लायन, डियर, पैरेट, सब, हाँ सभी उनकी शरण में, जैसे हम कहते हैं ना समो शरण जो है ना, जैसे अपने जैनिज्म में भी है। मतलब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इतनी लोगों को प्रभावित करती हैं कि पशुता भी पशुता छोड़ देता है, हिंसक पशु शेर जो है ना अटैक नहीं कर रहा, शांति से सुन रहा है। ऊपर में सात बुद्धों के, हाँ ये इष्ट तोरण है, हाँ नॉर्थ तोरण है, इष्ट तोरण है। यहाँ देखोगे तो भगवान बुद्ध की माता का भी पिक्चर है जिन्हें जन्म दिया था, इधर आओ, यहाँ देखो, ये भगवान बुद्ध की माँ सो रही है, देखो यहाँ पे महल में, और किस कंडीशन में है वो, भगवान बुद्ध तथागत उनके गर्भ में है, पैरों के ऊपर से हाथी आया, स्वप्न देखा था उन्होंने, देखा ये जो हाथी आया ये माँ की कोख में आ गया, फिर वो माँ अपना महल छोड़ के जा रही है बच्चे को जन्म देने, जंगल में रात हो गई, उस साल वृक्ष के नीचे उनका जन्म हो गया, नीचे भी द्वारपाल है, देख रहे जो बड़ा वैली जो दिखता है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बड़े वैली प्रॉस्पेरिटी के लिए दिखाते हैं, संपन्नता की निशानी है, देख रहे हैं आप। यहाँ देखो बाहर आओ थोड़ा, आपने कहा था भगवान बुद्ध घर छोड़ के गए थे, सिद्धार्थ गए थे बुद्ध बनने के लिए, इधर आओ, दूसरी वाली पट्टी देखो आप, ये पंख वाले शेर, ग्रिफिन है, महल है, सामने से घोड़ा निकल के जा रहा है ना, अम्ब्रेला है ऊपर, सिद्धार्थ घर छोड़ के जा रहा है। ये घोड़ा चल के क्यों नहीं जा रहा, उसको लोग हाथों पे क्यों उठाए हुए हैं, ताकि उसकी आवाज ना आए, नीचे उसको आगे रख दिया, फिर वो चलने लगा। यहाँ भगवान के चरण आ गए, वो जंगल में निकल गए, पाँव के नीचे से घोड़ा वापस हो गया, इस पर कोई अम्ब्रेला नहीं है, सब पे अम्ब्रेला था, और बगैर अम्ब्रेला के लौटा, राजा है तो छत्र था। तो सिद्धार्थ का गृह त्याग, रिनाउंसिएशन,
सिद्धार्थ गोइंग गोइंग इन गॉन, जंगल चले गए, खाली घोड़ा वापस आया। लाइफ कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पानी से। देखो आप, सबसे पहले एक मछली दिखाई दे रही ना, ये जल में रहती है, आगे समय बड़ा क्रोकोडाइल दोनों जगह, इसका फूड फिश भी हो सकता है, एम्फीबियन। इसके बाद हाथी आ गया, इसका भोजन मछली मगरमच्छ नहीं है, तो जल में से क्या निकला? लोटस, बिल्कुल बंद। इसमें धीरे धीरे सीडिंग शुरू हो गई, आए हुए बीजों से हजारों पौधे, बढ़ती हुई जीवन बेल। यहाँ देखो एक पक्षी आया, फिर एक आया, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग परिवार से जन्म लेते हैं, जब दोनों बड़े हो गए तो साथ में दिखाए गए, और बड़े हुए तो ये फैमिली में आए, यहाँ से फैमिली बड़ी तो अलग अलग टू बेबीज आए, और एंड में देखो सिंगल ही चला गया, क्योंकि सिंगल ही आया था, सिंगल ही चला गया। एक पूरी जीवन वेल दिखाई गई यहाँ पर। अच्छा, ऊपर में देखो 5 स्तूप बना दिए, 2 बोधि वृक्ष हैं, 7 बुद्ध, ये माता महामाया देवी हैं, ये अशोक पिलर वाला चक्र है, यहाँ धम्म चक्र है, ये महान अशोक अपनी पत्नी बच्चों के साथ महाबोधि ट्री की प्रेयर कर रहे हैं, महाबोधि टेम्पल है ना जो बोधगया में। अच्छा, ये हाथी धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं, देखो इनमें पत्थर के दांत, अगले वाले में ओरिजिनल हुआ करते थे। ये जो सालभंजी के बाजू में यूथ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये यक्षी की मूर्ति यहाँ भी थी। अच्छा, ये देखो भार उठाने वाले 4 बौने, देख रहे हैं आप ये कीचक, ये जो भार वाहक है ना, इनका चेहरा देखो, इधर आओ, सबसे पहले इनके चेहरे को देखो, सिर पे भार हंसते हंसते उठाया है, हैप्पी मैन है, जो आज लोग व्यापार के हिसाब से घरों में लाफिंग बुद्धा के नाम से रखते हैं। ये 4 भाव है इसमें, एक इंसान अपने भार को सिर पे हंस के उठाता है, तो दूसरा वही भार चुप रह के उठाता है, तीसरा वही भार रोके उठाता है। भार सब उठाते हैं, चाहे हंस के उठाएं चाहे रोके उठाएं, उठाना तो पड़ेगा, क्यों ना हंस के उठाएं, क्योंकि रोने वाले को भी उठाना है। देख रहे हैं आप, हैप्पी मैन फेमस हो गया। आपको पता है कि 80,000 बानर के राजा, मैम बुद्धिज्म में जातक कथाएं हैं, 80,000 बानर के राजा महाकपि बनारस में गंगा नदी के किनारे आम के वन में मीठे फल तोड़ के खाते थे, पके हुए फल नदी में गिर गए और राजा को शिकार करते हुए मिल गए। उन्हीं की तलाश में राजा पूरी सेना लेके गए और उनके आम के वन पे अटैक कर दिया, बंदरों को मारने लगे, धनुष चलाने लगे, तीर मारने लगे, तो नदी के ऊपर महाकपि बंदर का राजा ब्रिज बन गया और बैम्बू से एक अपने पैर को बांध लिया, एक एक करके सारे बानरों को बचा के ले गया। लास्ट में क्या हुआ, उनका कजिन वृद्धा देवदत्त हाई जंप लगा के गया तो महाकपि की बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो झाड़ के नीचे गिर गया और राजा ने पकड़ लिया। राजा कहता है, देखो बानर राज, तुम सबको तो बचा ले गए लेकिन खुद नहीं बच पाए। बोले, महाराज प्रजा की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है, वो मैंने किया, आपको भी करना चाहिए। देख रहे आप, तो इसको क्या कहते हैं, महाकपि जातक कथा, मतलब जातक कथाएँ हैं। ये देखो बोधि ट्री के लोग प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी सिंह दिखाई दे रहे हैं, ये भी इतना गिर गया था तो रिस्टोर्ड है यहाँ पे, देख रहा है? कौन सा द्वार है? हाँ, ये पश्चिमी तोरण द्वार है, वेस्टर्न गेट। हाँ, यहाँ देखो ये साइडों में सिर्फ डेकोरेशन है, यहाँ ये सब मिथिक है, ईगल जैसे भी दिखेगा, गरुड़ जैसे, घोड़ा जैसा, यूनिकॉर्न जैसा है ना यहाँ पे। अच्छा, इधर आओ। सबसे पहले सम्राट अशोक ने स्तूप के साथ साथ भिक्खु के निवास के लिए ये चीज बनाई थी यहाँ। ये देखो छोटे छोटे से 22 कमरे, देख रहे हैं आप? सम्राट अशोक जब अपने बच्चों की शिक्षा महेंद्र संघमित्रा की यहाँ उन्होंने पूरी की, चारों तरफ छोटे छोटे कमरे होते थे, बीच में एक हॉल था और ऊपर से लकड़ी की छत हुआ करती थी। तो अब मैं आपको मॉनेस्ट्री को थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। मॉनेस्ट्री कुछ इस तरह की थी, यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कमरे हैं और एक ही कमरा नहीं है, लाइन से यहाँ से आप देख पाएंगे ये पूरे लाइन से कमरे बने हुए हैं और इस तरह से पूरे साइडों में कमरे हैं और बीच में एक हॉल हुआ करता था पुराने टाइम पर, जहाँ पर एक तरह से क्लासरूम है और क्लासरूम में ये हॉस्टल हुआ करता था, जिस तरह से आज हॉस्टल्स होते हैं कि यहाँ रहने की जगह होती थी, बीच में क्लासरूम वगैरह और यहाँ स्तूप है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी। मॉनेस्ट्री से जस्ट थोड़ा सा पीछे ही आएँ तो हमें एक ग्रेट बाउल नज़र आता है। ग्रेट बाउल मतलब एक बड़ा सा कटोरा, ये पूरा एक सिंगल स्टोन से बनाया गया है और इस कटोरे का उपयोग क्या लिया जाता था, जब मॉनेस्ट्री में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षुक थे वो भिक्षा लेकर आते थे तो इसमें कलेक्ट की जाती थी, उस सभी भिक्षा को, जैसे मान लीजिए कोई अनाज लेके आए वो, तो सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी की जाती थी और फिर बाद में सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो अब मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा। ये हमारे देश का 200 का नोट है, आप आगे पीछे से देख सकते हैं इसे, और इस 200 के नोट के पिछली साइड पर आप देखेंगे तो जो आपको फिगर नज़र आ रहा है वो इसी जगह का है,
यह है सांची स्तूप का स्तूप नंबर 1, जिसका फिगर यहाँ 200 के नोट के ऊपर नज़र आता है। आप एग्जैक्टली इसी फिगर को देख सकते हैं जो पीछे बना हुआ है, और ये जो फोटो लिया गया है वो भी इसी लोकेशन से लिया गया है। ये जो गेट है, यानी कि जो तोरण द्वार है, ये वेस्टर्न गेट है सांची के स्तूप नंबर 1 का। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ नोट के साथ इस तरह से पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से जो स्तूप की आकृति है वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। सबसे ऊपर वाले पैनल में हर जगह उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें हाँ मानुषी बुद्धों के 7 स्तूप और बोधि वृक्ष बने हुए हैं। सेकंड में देखो बीच में धम्म चक्र है, चक्र के बाजू में पंख वाले देवता, इंसान, जानवर, ये सभी हैं भगवान बुद्ध का पहला धम्म उपदेश सुनने के लिए। तीसरे में देखो हाथी द्वारा 6 दांतों वाले हाथी, ये देख रहा बोधि ट्री के प्रेयर कर रहे हैं, बोधिसत्व हुआ करते थे 6 दांतों वाले हाथी। स्तूप नंबर 1 के अंदर जैसे ही आप आएंगे तो आपको ऊपर चढ़ने का रास्ता भी नजर आएगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक आप स्तूप की ऊंचाई तक भी जा सकते हैं। तो अब मैं आपको सांची स्तूप की इस लोकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहूँगा एक 360 व्यू के रूप में। कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है सांची का सबसे बड़ा स्तूप जो कि स्तूप नंबर 1 है। इसी के पास बना हुआ है स्तूप नंबर 3। यहाँ दूर बना हुआ है एक मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है, और वहीं नीचे भी एक तहखाना है जहाँ पर अस्थि अवशेष रखे गए हैं भगवान बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य के, जो कि स्तूप नंबर 3 से निकाले गए थे। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये मोनेस्ट्री नज़र आएगी आपको, और इसके नीचे जाते हैं तो स्तूप नंबर 2 आता है। तो हम देखते हैं कि सांची में अनेक स्तूप है, लेकिन मुख्य है स्तूप 1, फिर इसके बाद स्तूप 2 और स्तूप 3। क्या हुआ था कि 3 जो है सांची के धातु स्तूप माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे अरहंत सारिपुत्र महामोदगलायन, उनके अस्थि अलेक्जेंडर के कनिंगहम एक्सकेवेशन में कनिंगहम के ओपन करने से नंबर 3 से, और नंबर 2 ओपन करने से 10 यहाँ पे टीचिंग करने वाले टीचर, और उसमें अशोक के गुरु मोगलीपुत्र तिस्सा के भी यहाँ से मिले हैं, और महास्तूप में जो स्तूप इसके अंदर है उसमें भगवान बुद्ध देव के होने का आज भी है, जो कभी खोला नहीं गया है प्रथम। तो इसके अंदर है स्तूप जो महान अशोक बनवाए थे, तो वो छोटे साइज का है, ईंटों से बना हुआ था। तो ये पवित्र भगवान बुद्ध की अस्थियों पे बना हुआ स्तूप है, और इसके 4 तोरण द्वार हैं, इसके चारों तरफ वेदिका है, बीच में परिक्रमा के लिए मेधी है, सबसे ऊपर शिखर पे ट्रिपल अम्ब्रेला है। तो स्तूप के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, छत्रावली, ट्रिपल अम्ब्रेला, ऊपर की रेलिंग हर्मिका, बीच में डोम अंडभाग, मध्य में रेलिंग मेधी, और नीचे भूवेदिका, और यहाँ तोरण द्वार है। तो 16 मीटर हाइट है 16.4, और 36.60 इसका डायामीटर है, 36 डायामीटर है। तो 16 मीटर हाइट है, 36 डायामीटर है सांची का महास्तूप। और सांची स्तूप वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एंड वेस्ट बेलफिजर मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सांची से हमें चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार हुआ है, तो महान अशोक से ही शुरुआत हुई है यहाँ, उनकी विदिशा वासिनी देवी के कहने पे महान अशोक यहाँ स्तूप बनाए हैं बेतवा नदी के किनारे विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो यहाँ से धर्म संस्कृति का प्रचार हुआ है, और जो आज भी हमारे लिए गौरवान्वित करती है हमारी धरोहर, तो यहाँ से धर्म का प्रचार हुआ है, संस्कृति का प्रचार हुआ है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ही आपको लगेगा सांची का एहसास क्या होता है, कि यहाँ भी एक एनर्जी फील होती है, और जब आप सूर्य उदय में आते हैं तो अलग ही आपको फील होगा यहाँ, क्योंकि ये तो ध्यान साधना मेडिटेशन की जगह है। तो साइट सिलेक्शन का बड़ा महत्व था, नदियों का होना, नगर का होना, एकांत का होना, वहाँ मोनेस्ट्री होना, तो विदिशा नगर से जुड़ा हुआ था यहाँ पे। जब महान अशोक बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो फिर उन्होंने ज़्यादा पूरा समय मोनेस्ट्रियों में दिया, तो पत्नी की देवी के कहने पर सांची में स्तूप का निर्माण करवाया, बुद्ध देव सांची कभी नहीं आए। तो अब सांची स्तूप को देखने के बाद अगर आप सांची घूमने का विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप सांची कैसे पहुंच सकते हैं। सांची आप भोपाल से बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भोपाल से सांची का डिस्टेंस लगभग 50 किलोमीटर्स का है, जिसे आप बाय बस
आसानी से पार कर सकते हैं और चाहें तो ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध होती है तो उससे भी आप सांची पहुंच सकते हैं। सांची रेलवे स्टेशन से सांची स्तूप का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर का है जिसे आप बाय ऑटो पार कर सकते हैं। सांची स्तूप तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है क्योंकि सांची के स्तूप एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑटो लेना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। सांची स्तूप सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और यहाँ एंट्री करने का शुल्क लगता है 40 रुपीज पर पर्सन का। सांची स्तूप के मेन गेट के पास ही एक क्लॉक रूम भी बना हुआ है जहाँ अगर आप चाहें तो अपने बैग्स वगैरह डिपॉजिट करा सकते हैं। सांची स्तूप से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर सांची म्यूजियम भी बना हुआ है जिसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये है सांची के ऐतिहासिक स्तूप जिन्हें देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।